and shameless. हाय दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने एक ओनिडा की टीवी है, जो इंडिया की टीवी है, हमारे इंडिया देश की टीवी है। और ये जो चलती थी टीवी, इसके लिए हम लोगों को चाहिए 240 वोल्ट एसी और 12 वोल्ट डीसी। कहने का मतलब ये जो टीवी है ये बिजली और बैटरी दोनों से चलती थी। मैं इसे तुरंत ही खोल फोन करना चाहता हूँ। बचपन से मैंने बहुत सारे इसका ऑपरेशन किया था, लेकिन आज मैं इसका फाइनल ऑपरेशन करूँगा। कि ये है हम लोग का ट्रांसफार्मर, और इसका यूज किया जाता था जो डीसी करंट हम लोग यहाँ, इसमें जो डीसी करंट सप्लाई किया जाता था उसको एसी में बदलने के लिए, हाई वोल्टेज में बदलने के। ठीक है, ट्रांसफार्मर तो दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप ऑन एक स्टेप डाउन। इसके लिए अलग से बनाऊंगा वीडियो, इसमें नहीं। ये देखिए, ये है इसमें किट, और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग देखते थे यहाँ पे ये लगा हुआ है, जैसे डॉक्टर लगाता आँट में, वैसा ही सेम ये जो चीज़ है। स्पेशली ये चीज़ जो है सिग्नल ट्रांसमिट करता है। सिग्नल कौन सा सिग्नल, जैसे कहने का मतलब है कि डिश एंटीना जो लगा होता है, डिश एंटीना से जो आता है सिग्नल, उस सिग्नल को जो मॉडिफाई, मतलब कहने का मतलब जो भेजता है सीआरटी ट्यूब पे, ये यही 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 जो है, यही जो हो सकते हैं, ये जो डिवाइस है, यही जो तार है, यही भेजता है यहाँ से। ठीक है, और मैं आगे और इसको कोल्ड फोल्ड करना चाहता हूँ। और देखिए ये मैं इसको अलग करता हूँ, ये करंट को सप्लाई करता है। और ये देखिए ये क्या है, एक्चुअली में ये जो है एक मैग्नेट बनाता है। मैग्नेट क्यों, जैसे सी आर टी ट्यूब, आप लोग बहुत अच्छा बड़े हो गए सी आर टी ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये तो जेजे थॉमसन का है एक्सपेरिमेंट, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के डिस्कवरी में, रदरफोर्ड या जेजे थॉमसन में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के डिस्कवरी हम लोग वहाँ पे देखा जाता है। एक एक्सपेरिमेंट है, मैं पिक्चर बॉय में ऐड करता हूँ, तो पिक्चर में देखा जाता है क्या, कि जब इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब बीम ऑफ लाइट, इनविजिबल लाइट, वो जाता है तो फ्लक्चुएशन करता है। पहले आप देखोगे पुराने टीवी में वोल्टेज कम रहता था तो पिक्चर लिप 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 करता था। वो क्यों करता था, इसलिए करता था क्योंकि वहाँ पे अच्छा से मैग्नेट नहीं बन पाता था। मैग्नेट बढ़िया, वोल्टेज कम होने की वजह से मैग्नेट नहीं बन पाया। मैग्नेट नहीं बना तो पिक्चर क्या करेगा, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, देखिए मैं ऐसे तोड़ करके निकाल लिया हूँ। ये है हम लोग का कैथोड रे ट्यूब कम्प्लीटली। देखिए ये एनोड पार्ट होता है, इसमें कैथोड पार्ट होता है, यहाँ से बीम ऑफ लाइट निकलता है, और यहाँ पे क्या होता है फॉस्फोरियन मटेरियल, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट पड़ने से ये ग्लो होता है, चमकता है। इसके अंदर तीन लेयर होते हैं, मैं इसमें साइड से ऐड करूँगा वीडियो में, तीन लेयर्स होते हैं, तीनों लेयर में पिक्चर बीम बनना शुरू होता है। पिक्चर बीम्स में ये जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ से सिग्नल्स ट्रांसमिट होता है, और ये सिग्नल यहाँ पे पिक्चर बीम्स के फॉर्म में आती है। ये इसके अंदर एक गैस भी भरा हुआ होता है। ठीक है, मतलब गैस करने का मतलब इसे फिक्स किया जाता है, इसका अंदर का गैस को फिक्स किया जाता है। देखिए अंदर में ये दिख रहा है कुछ, ये जिंक फॉस्फोरस मतलब फ्लोरोसेंट मटेरियल का यहाँ पे एक चमकदार परत चढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोग का क्या, हम लोग का इमेज क्रिएट होता है। ऐसे एक्चुअली में देखा जाए तो टीवी का जो खोज है लगभग 1925 में जॉन डी बेयर्ड ने किया था। उसके बाद ये नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लाया गया। इंडिया में जो टीवी का ब्रॉडकास्ट सबसे पहले किया गया था वो लगभग 1959 में किया गया था दिल्ली में। सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किया था। आप पुराने बहुत सारे यूट्यूब चैनल या बहुत डिफरेंट जगह पे ये बहुत अफवाहें सुने होंगे, ये क्या कि पुराने टीवी को हमें नहीं बेचना चाहिए। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जो टीवी 1979 से पहले, मतलब कहने का मतलब 1980 से पहले जो बना हुआ था टीवी, टेलीफोन या फिर रेडियो, उसके अंदर क्या होता था, रेड बॉक्स। आप सुने होंगे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का जो भी कंप्यूटर या सीआरटी ट्यूब जो भी आता था, उसमें रेड बॉक्स बहुत यूज किया था, और वो बॉक्स जो बनाया था रेड मरकरी से। अब ये रेड मरकरी है क्या, रेड मरकरी में इंटरनेशनल मार्केट या ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छी खासी आपको कीमत मिल सकती है। आपके पास भी अगर कोई टीवी है और रेड मरकरी खास करके है, तो आप उसे बचा करके, मैं इसका वीडियो अलग से मतलब इमेज इसी में ऐड कर रहा हूँ पिक्चर में, वीडियो में आप देखिए आराम से। और रेड मरकरी का अच्छा खासा कीमत क्यों दिया जाता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत ही सीक्रेट है। ये सीक्रेट क्यों है मैं आज इसे बताऊँगा, आप बने रहिए इसके साथ। देखिए रेड मरकरी क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको अपना सीआरटी टीवी मॉनिटर दिखाया, उसमें से मैंने एक बात कहा था क्या, रेड मरकरी ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और
इसके पीछे बहुत सारे अफवाहें उड़े थे, मैं इस अफवाहों को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। मरकरी जो होता है हम लोग एक्चुअली में दो तरह का होता है, एक रेड सिल्वर और एक रेड। ये रेड मरकरी को बहुत ही सीक्रेट रखा है। सिल्वर मरकरी जनरली हम यूज करते हैं थर्मामीटर में, अमलगम में, मेडिसिन में, स्विच में या बहुत सारे बैटरी में, ठीक है। अब बात आता है हम लोग रेड मरकरी। रेड मरकरी क्या, रेड मरकरी का जो यूज किया जाता है वो एटम बम में। एटम बम में कैसे मैं बताता हूँ, इसकी जानकारी को पूरा का पूरा सीक्रेट रखा गया। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जो दिए थे हम लोग का, जिससे पहला जो जानकारी आया था आर्टिकल, रशिया का एक आर्टिकल था उसमें 1993 में, और एक दो टीवी डॉक्यूमेंट्री था 1994, ये दोनों में ही आया था। आया क्यों था, आया इसलिए था क्योंकि हम लोग पहले बताया कि टीवी का जो है पुराने टीवी का लोग बहुत ही अच्छी कीमत मिल रही पुराने टीवी का मार्केट में। ऐसा क्यों, क्योंकि टीवी के अंदर जो यूज किया था एक रेड कलर का वॉल्व, रेड कलर का वॉल्व जो होता है वो रेड मरकरी होता है, और उस रेड मरकरी का जो यूज करते हैं लोग एटम बम में, एटम बम में मिक्सचर ऑफ बिकम हॉट, जो हम लोग एटम बम के अंदर जो मिक्सचर होता है किसका, ट्रिटियम का, ड्यूटेरियम का, और ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम कंटेनर उसके अंदर हाई एक्सप्लोसिव और ये मेटल कैसिंग, मेटल का जो कैसिंग होता है उसके अंदर जो ये कलर दिख रहा है, मैं अभी फिगर में दिखेगा तो रेड कलर का, उस रेड कलर में क्या करता था, इग्नाइट हैवी हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसिंग फ्यूजन। ये क्या करता है, एटम बम, एटम बम का दो पार्ट होता है, एक फ्यूजन होता है, एक फ्यूजन सबसे पहला प्राइमरी पार्ट था फ्यूजन। फ्यूजन ये फ्यूजन को स्टार्ट करने का जो काम करता है कौन करता है, रेड मरकरी। रेड मरकरी बहुत ही रेयरेस्ट, बहुत ही कम मिलता है, और इसके जानकारी को भी बहुत सीक्रेट कर दिया गया है, पब्लिकली इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। और सवाल उठता है कि ब्लैक मार्केट में इसका क्या, क्यों इतना ज़्यादा कीमत है। इसका कीमत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका डिमांड जो है ब्लैक मार्केट में क्रिमिनल गैंग के लिए है, जैसे टेररिस्ट। अगर सोचिए आप कि अगर टेररिस्ट को रेड मरकरी दिया जाए तो एटम बम बना ले, और एटम बम बना कर किसी भी देश को तबाह कर सकता है। तो इसीलिए ये इसकी जो ये जो रेड मरकरी जो आता था लगभग 1979 से पहले जितना भी टीवी बनता था, कौन कौन टीवी, रेडियो या टेलीफोन, उसमें वॉल्व के अंदर रेड मरकरी हुआ करता था। इस यही वजह है कि आज अगर पुराने टीवी आपके पास है तो इस तरह से बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी। ये अफवाहें बहुत हद तक सही भी हो सकती है, बहुत हद तक गलत भी हो सकता है। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है सैमुअल टी कोहेन, सैमुअल टी कोहेन, इसका फिगर आपको दिखेगा कि अमेरिका के एक भौतिक, इनको बोला जाता है एटम बम का फादर्स, क्या नाम है, सैमुअल थियोडोर कोहेन। ये बोलते हैं इन्होंने अपना एक आत्मकथा ऑटोग्राफी लिखा, उसमें उन्होंने रेड मरकरी, रेड मरकरी नहीं बोला, उन्होंने रेड यौगिक बोला, रेड कंपाउंड। अब वहाँ पे बात एक क्लियर किया गया था कि रेड मरकरी जो है या तो रेड मरकरी ही हो सकता है या फिर रेड मरकरी कोई कोडवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये रेड मरकरी का कहानी है, और इसीलिए रेड मरकरी जो हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कितना महंगा मिलता है, इसका हम लोग देख सकते हैं रेड मरकरी का जो रस है क्या है, सिनेबार, और इसका एटॉमिक नंबर HG है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 80 है। और ये हम लोग सिल्वर मरकरी का तो जनरली आसानी से यूज करते हैं, रेड मरकरी बहुत ही रेयरेस्ट है, और इसकी जानकारी को बहुत सीक्रेट रखा गया। आप विकीपीडिया पढ़ सकते हैं, मैं विकीपीडिया का PDF या फिर उनका स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। इसकी कीमत ब्लैक मार्केट में लगभग 1 GG का है, लगभग 1 से 3 लाख का। ये बहुत बार कितना, बहुत बार बहुत जगह पुलिस वगैरह के द्वारा पकड़ा गया है, ठीक है। आगे देखिए आप, तो फाइनली आपको ये टीवी के बारे में बहुत थोड़ा बहुत जानकारी जरूरी समझ में आई होगी। इसमें से पहला मैंने मरकरी, जो मरकरी को बताया, ये मरकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा समझिए। और मैं बताना, अब मैं ये जो बचा CRT, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका करूँगा अंतिम संस्कार, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं जल्दी लाऊंगा इसका नेक्स्ट वीडियो, इसमें आप करेंगे मी मतलब दीपक बर्नवाल के साथ इसका अंतिम संस्कार, ठीक है। तो वापस जरूर आइएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, चलते हैं, बाय बाय।